कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे। लॉकडाउन करण्यासाठी मालेगाव शहराच्या पोलिसांना अतोनात प्रयत्न करावे लागत आहे। शहरातील पोलिसांव्यतिरिक्त जळगाव आणि धुळे येथून सुद्धा कुमक मागविण्यात आले आहे। या सगळ्या पोलिसांना या विषाणूपासून धोका नसावा म्हणून मालेगाव शहरातील बेस्ट आयटी चे संचालक साजिद अंसारी यांच्या वतीने जिल्हा एसपी डॉक्टर आरती सिंग मॅडम यांच्या उपस्थितीत सिटी पोलीस स्टेशनमध्ये ॲटोमॅटिक सॅनिटायझर मशीन प्रदान करण्यात आले। हे मशीन ॲटोमॅटिक असून यात प्रवेश करतात हे मशीन सुरू होते आणि पूर्ण सॅनिटाईज झाल्यानंतर ॲटोमॅटिक बंद होते। पोलिसांबद्दल साजिद अन्सारी यांनी व्यक्त केलेली ही आस्था आहे। पोलिसांचं काम बघून त्यांनी ही मशीन त्यांना भेट दिली आहे। ऑटोमेटिकली सिस्टम है, जैसे ही कोई एंट्रेंस पे आता है तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। अंदर आने के बाद उसको सिर्फ 10 सेकंड में कंप्लीट सैनिटाइज हो जाता है। केमिकल जो भी है उसका लगने वाला, यहाँ पर हम लोगों का बकेट है, उसमें यूज़ करो। आउट, जैसे ही बंदा आउट होगा वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। वेस्ट होने का सवाल नहीं है, पावर भी बिल्कुल कम लगेगी और बआसानी कहीं से भी मतलब इसे लाया ले जा सकते हैं। असल में आज के हालात को देखते हुए हम लोगों की एक छोटी सी कोशिश है, जो यहाँ के पुलिस प्रशासन और पुलिस के आदमी जितने भी लोग हैं यहाँ पे और मेडिकल स्टाफ, इन लोगों को मदद करने के लिए और इनको डेडिकेट करने के लिए हम लोगों ने एक ऑटोमेटिकली वर्क करने वाली एक सैनिटाइजर मशीन बनाई है, और जिसको हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश अपने शहर हिंदुस्तान और महाराष्ट्र की पुलिस के लिए डेडिकेट करते हैं। इन लोगों की जो खिदमत है हमने देखा है। मैं समझता हूँ आज के दौर में पुलिस का जो काम है बहुत ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन है। इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि भाई इनके लिए कुछ करना हमारी एक कोशिश थी जो आपके सामने मौजूद है, और आइंदा भी हम लोग अगर जो भी हमारे साथ हो सकेगा हम पुलिस प्रशासन और मेडिकल स्टाफ के लिए करने की कोशिश जारी रखेंगे। आपण आपल्या घरात लॉकडाऊन झाल्यानंतर सुरक्षित आहोत, परंतु आपल्या शहराचा पोलीस दादा जो आपल्या सुरक्षेसाठी रोडवर रस्त्यावर फिरतो आहे तोही सुरक्षित राहावा ह्या उद्देशाने बेस्ट आयटीच्या वतीने उचललेले हे पाऊल कौतुकास्पद मानावं लागेल।